और खबर राज्यसभा से है, जहां राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और भाजपा सांसदों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राहुल गांधी के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे और आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज नफरत हर जगह फैल रही है, हमारे ही प्रतिनिधि इसको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आज नफरत हर जगह फैल रहा है, उसको हमारे ही प्रतिनिधि लोग, मंत्री लोग उसको बढ़ावा दे रहे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आप चुप क्यों बैठे जी? आप हर एक को डराते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे? जो लोग नफरत कर की कोशिश करते हैं, अगर आप नजर उधर एक तरफ गिरी तो वो ऐसा बैठ जाएगा, नेक्स्ट मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है, समझ के वो बात बंद करेगा।